आप इसकी एंट्री पे नाची वरना इसकी एंट्री का गाना ही कट जाता। अच्छा ये आई थी सिर्फ 15 सेकंड का डांस याद करके, आगे इसको आता नहीं था। आगे बिंदु जी ने कर दिया तालियों पे आगे थी। चार चार लगे एपिसोड में। वाह आज थैंक यू सो मच बिंदु मैम। मैम कैसा लगा आपको हमारा परफॉर्मेंस खास आपके लिए तैयार किया? सुपर, एक ग्रीन में एक रेड में। मैम को तो जैसा भी लगा हो मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा। इतनी बार मैं इस शो में आया, इस खूबसूरत लड़की को छुपा के रखा हुआ। नहीं नहीं सर, हम कोशिश करते थे इनको हर एपिसोड में लाने की लेकिन चैनल नहीं अप्रूव करता ना। वैसे बिंदु मैम ये ना हमने खास आपके लिए तैयार किया था। हाँ जी। बहुत अच्छा तैयार किया। वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन एक बात बोलो पूरी, इन्होंने भी तुझे देके कुछ तैयार किया है, जाते वक्त तुझे देंगी। दीदी ये बात ना कप्पू ऑलरेडी बोल चुका है। अगर तुझे पता है कि कप्पू ये बात बोल चुका है तो तुझे ये नहीं पता था कि ये वाला डांस पहले मैं कर चुकी हूँ, फिर दोबारा करने की क्या जरूरत थी? ज्यादा बकवास की ना तो गर्दन पे काट के एक और नेकलेस बना दूंगी। नहीं नहीं ये मेरी नकल करती रहती है रंजीत जी। जिस घर में मैं पैदा हुई थी ना गुलशन सर, 5 साल बाद ये भी पीछे पीछे पैदा हो गई थी। चोर कहे की। अरे तो क्या करती, 5 साल तक आप ही तो लगातार पैदा हो ही रही थी, मैं पहले कैसे पैदा हो जाती? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मुझसे तमीज से बात कर समझी। और कैसी बातें करती, तेरी बात में कोई लॉजिक होता है? अरे लॉजिक हो या ना हो लेकिन आपकी बहन बहुत टैलेंटेड है। ये तो सही कहा लड़की ने, टैलेंटेड तो बहुत है गुलशन सर। जैसे आप फिल्मों में चैन छीनते हैं, घड़ी खींच लेते हैं, बालियां खींच लेते हैं, ये भी बच्चे लॉलीपॉप चूस रहे होते ना उनके लॉलीपॉप खींच लेती है। एक बार तो इतनी जोर से लॉलीपॉप खींचा कि बच्चे की जीभ खींच के घर तक ले गई। दीदी तब से मेरे बारे में बोली जा रही हो, खुद क्या बन के घूम रही हो? बन के इट्स अ हुस्न का जलवा। समझी? तुझे नहीं पता तेरी दीदी क्या है, कितने धड़कनों की जान है, क्यों भैया है ना? और जिस मोहल्ले से मैं निकल जाऊँ ना तितली, उसमें तो ट्रैफिक जाम हो जाता है जाम। आए हाय। वो तो होना ही है क्योंकि जिस मोहल्ले से आप निकलती है वहाँ किसी और की निकलने की जगह नहीं बचती। खाता पीते घर के हाँ तो है, समझी? कपड़ा का कितना, और खुद खुद इतनी कमजोर है, उसने ब्रश कर रही थी झाग वेगा झाग के ऊपर गिर गई। इसे रंजीत सर ये ऐसी माँ है, खुद कल अपने बच्चों से कह रही थी अपने पापा के पर्स से पैसे निकाल लिया करो। हाँ तो क्या हो गया, अपने पापा के पर्स से कह रही थी, तेरे पापा के पर्स से नहीं, समझी? अरे तो मेरे पापा तो आपके पापा हुए ना। मेरे पापा तो उसी वक्त में इन नजरों से गिर गए थे जब उन्होंने तुझे पैदा किया था। जब मैं अच्छी हो गई थी फिर क्यों दिमाग लगाया तेरे में? गुलशन जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे आप अपने अड्डे पे ले जाओ, मैं यहाँ कोई भी आपके अड्डे पे जाके छोटा मोटा काम कर लूंगी। दीदी अड्डों का ट्रेन गया, खत्म हो गया, वो अड्डे बंद हो चुके हैं। अरे अड्डे वो वाले बंद हुए बुरी, काली पहाड़ी वाले, जंगलों वाले। मैं तो कहती हूँ इस बार नए अड्डे खोलते हैं रंजीत जी, मालदीव्स में, गोवा में, वहाँ पे लड़कियाँ खुद ही आएंगी, हमें हमें किडनैप कर लो और आपके साथ फोटो भी डालेंगी। चिलिंग एट गुलशन ग्रोवर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.